सो ये गाइस गुड आफ्टरनून. करंटली आई एम एट मुरबाद एट अ वेरी आइसोलेटेड प्लेस जहाँ पे मतलब नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है. बट आई ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल. एनी वे ये जो वीडियो है ये मैं घर जाके भी बना सकता था बट आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू मेक इट बिकॉज ये जो 2-3 दिन का वैकेशन मैंने लिया यहाँ पे मेरा दिमाग एकदम क्लियर हो गया और ये जो पर्टिकुलर चीज है ये लास्ट 1 महीने से मैं देख रहा हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ कि यू नो आई विल टेक अ डिसीजन बट आई फील दिस इज द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन. एंड अभी मैंने अगर डिसीजन नहीं लिया तो ये चीज मेरे को आज से 1 साल के बाद बहुत गंदा खाएगी. सो द थिंग इज दैट व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस चैनल फुटप्रिंट्स माय मेन चैनल आई हैड दिस इंटेंशन ऑफ मेकिंग व्लॉग्स टू मेक ट्रैवल वीडियोज एंड एवरीथिंग एंड बेसिकली यू नो मेक अ फिल्म मेकिंग कॉन्टेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो वो उसी तरीके से मैंने चालू किया था. इनिशियली तो चला अच्छा खासा, मैं लाइक 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर तक सब ठीक था. बट मेरा बीच में एक वीडियो वायरल चला गया आफ्टर दैट अबाउट यू नो फ्रीलांसिंग एंड एवरीथिंग, बेसिकली द स्टोरी टाइम वीडियोज. एंड उसके बाद काफी सारे ऐसे वीडियोज मेरे वायरल गए जो मेरे स्टोरी टाइम वीडियोज थे या फिर यू नो मेरे जॉब के रिलेटेड थे या फिर सम अदर सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट बट नॉट अ व्लॉग. तो उसके चक्कर में क्या हुआ दैट मेरे जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स है उसमें से ऑलमोस्ट 50-60% जो ऑडियंस है वो टाइप का कंटेंट देखती है. अगर आप मेरे लास्ट के 20 वीडियोस भी देखो जिसके अंदर आई हैव डन अ स्टोरी टाइम वीडियो और इफ यू नो आई एम मेकिंग अ क्रिटिसाइज वाला वीडियो और एनीथिंग लाइक दैट, दोज वीडियोज हैव वर्कड अ लॉट. अब उसके अंदर आप फ्रीलांसिंग कह लो, मेरा जॉब के रिलेटेड कह लो, बीच में मैंने एक मुंबई करने के लिए सौरभ जोशी व्लॉग्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, ऑल दो सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट वेर आई एम सिटिंग एंड यू नो टॉकिंग टू यू गाइज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, वो वीडियोज बहुत ज्यादा वायरल गए. एंड अगर मैं अपने व्लॉग्स की बात करूँ लास्ट 20 वीडियोज में अगर मैं देखूँ मेरे व्लॉग्स दे आर हार्डली गोइंग अबाउट 5,000, 6,000, 7,000, मैक्स दे आर गोइंग टिल 10,000. तो जब तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स है और तुम्हारे 10,000 तक खाली जा रहे व्लॉग का व्यूज, वो आई फील is not going to help me in future for growth and I have to take a decision कि अब करना क्या, because देखो मेरे को vlogging भी छोड़ना नहीं है and I always cannot keep making story time videos because जब भी मैं story time videos बनाता हूँ मेरे को comments आते कि अमन vlogs किधर है, और जब मैं खाली vlogs डालता हूँ तो मेरे को comments आते कि अमन where are your story time videos. तो what I am thinking now is, ये चीज़ मैंने last year भी की थी बट इट डिड नॉट वर्क आउट एंड आई अगेन स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स ऑन माई मेन चैनल. बट आई फील वापस से वो मेरी लाइफ में वो चीज़ आ रही है. अभी ये मेरी गलती कह लो या फिर यू नो मेरी नादानी है, जो भी यू कैन से. तो वट आई एम थिंकिंग नाउ इज के ये जो मेरा चैनल है मेन चैनल फुटप्रिंट्स एंड दिस इज द फाइनल डिसीजन जो मेरे दिमाग में है दैट इस चैनल के ऊपर अब से आई विल बी अपलोडिंग ओनली स्टोरी टाइम वीडियोज एंड यू नो व्लॉग्स अबाउट एडिटिंग यू नो जॉब्स के बारे में या फिर मेकिंग कॉन्टेंट रिलेटेड टू यूट्यूब एंड स्टफ. और जो मेरा सेकेंड चैनल है अमन जैन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब. 6,000 होने वाले हैं उसके ऊपर मैं वापस से मेरे व्लॉग्स डालना चालू करूँ. बिकॉज ये तो सिर्फ एक ट्रिप है जहाँ पे मैं आया हूँ, आगे फ्यूचर में मेरे बहुत सारे ट्रिप्स होने वाले हैं. एंड मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि यू नो एक ट्रैवल ट्रिप पे तुम इतनी मेहनत करके तुम कॉन्टेंट बनाओ और वो जस्ट बिकॉज तुम्हारा जो मेन चैनल है उसका ऑडियंस अलग है उसकी वजह से मेरा रीच डेड हो जाता है. तो मेरे को वो गलती नहीं करनी है बिकॉज जो ट्रैवल जहाँ पे मैं करने वाला हूँ आगे दे आर लाइक वेरी नाइस प्लेसेज एंड यू नो विच कैन हेल्प मी ग्रो अ लॉट. बट अगर ये फंडा चलते रहा ऑफ यू नो नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज ऑन माई व्लॉग्स तो वो व्लॉग्स भी नहीं चलेगी. एंड इवेंचुअली क्या होता है कि जब तुम्हारे कंटिन्यूसली 10-15 वीडियोस नहीं चलते व्लॉग्स वाले तो यू फील अ लिटिल डिसहार्टेड और तुमको वो मजा नहीं आता फिर बनाने को. तो वो मजा धीरे धीरे मेरे लाइफ से जा रहा है. तो इसके पहले कि वो मजा पूरा ही चले जाए व्लॉगिंग के रिलेटेड आई वॉन्ट कि मैं एक डिसीजन लूँ एंड आई पर्सनली वॉन्ट टू यू नो स्टार्ट अपलोडिंग माई डेली व्लॉग्स या फिर रॉ व्लॉग्स या मेरा जो भी ट्रैवल के वीडियोज वगैरह है ऑन माई सेकेंड चैनल. एंड ये चैनल पे आई स्टिक टू प्रॉपर स्टोरी टाइम वीडियोज. तो अभी मेरे को आप लोग की ये हेल्प चाहिए दैट यू गाइज टेल मी दैट वॉट डू यू ऑल वॉन्ट, आप लोग को क्या चाहिए, वॉट शुड आई डू, शुड आई कंटिन्यू एवरीथिंग ऑन दिस चैनल इट सेल्फ और शुड आई मेक अ डिफरेंट चैनल, लाइक नॉट अ डिफरेंट चैनल बट मेरा जो पुराना चैनल है शुड आई स्टार्ट अपलोडिंग व्लॉग्स ओवर देयर. आई नो जो लोग मेरे को बहुत टाइम से फॉलो करे वो लोग मेरे को पक्का गाली देंगे कि तू क्या बार बार हाँ ना कभी इस पे व्लॉग कभी उस पे व्लॉग. बट यू नो मैं खुद अपने दिमाग में सॉर्टेड नहीं हो पा रहा हूँ कि मुझे कैसे डालना है, विच आई फील इज नॉट रॉन्ग. जब तुम एक यूट्यूबर होते हो तो ऑब्वियसली यू लुक एट ग्रोथ, यू सी के आपको कैसे कॉन्टेंट बनाना है जिससे आपका ग्रोथ होगा. एंड मेरा ऑनेस्टली ग्रोथ मेरे स्टोरी टाइम वीडियोज से हो रहा है. तो आई डोंट नो मैन, ये बहुत गलत साउंड करेगा बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे व्लॉग्स कैसे बनाने हैं अभी. बिकॉज वेन एवर आई अपलोड यू नो वेन एवर आई क्लिक ऑन दैट पब्लिश बटन ऑन माई यूट्यूब डेस्कटॉप हमेशा मेरा ये रहता है कि यार ये व्लॉग भी अच्छा नहीं चला, यार ये व्लॉग भी अच्छा नहीं चला.
और वो इवेंचुअली ऐसा हो गया कि अभी जब भी पब्लिश करता हूँ ना, मेरे को मन नहीं करता पब्लिश करने का, मन नहीं करता ब्लॉग अपलोड करने का। एंड जो भी ब्रांड के जो भी वीडियोज होते हैं वो भी ऐसा होता है कि यार बनाने के लिए मैं बना रहा हूँ, तो आई जस्ट डोंट वॉन्ट कि मेरा मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाए कि इवेंचुअली मेरा यूट्यूब ही पूरा बंद हो जाए। तो वो लेवल आए उसके पहले डिसीजन लेना है। तो मेरा तो डिसीजन आप लोग ने सुन लिया, बाकी यू गाइज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आप लोग को क्या लगता है। एंड जो भी रहेगा फिर इवेंचुअली अपन एक डिसीजन लेंगे, तो लेट मी नो कॉमेंट्स में। और तो क्या ही बोल सकता हूँ। बाकी टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस, यहाँ का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। अब वो कौन से चैनल पे आएगा आई डोंट नो, या तो इसी चैनल पे आएगा या मेरे सेकंड चैनल पे आएगा, तो देखते हैं अभी आप लोग के डिसीजन पे सब कुछ। एंड वील फिगर आउट समथिंग और दी अदर। एंड बस इतना ही बोलना था। बाकी प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई सेकेंड चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय।